नमस्कार बच्चों, सो वेलकम टू जीआरएम एकेडमी। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपने प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक के हिसाब से आपने किए थे, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं टॉपिक वाइज यूट्यूब पर आपको हर चीजें को बताऊंगा, साथ में एमसीक्यू भी बताऊंगा विद योर थ्योरी क्लासेस। अभी पहले एक रिव्यू हम लोग लेंगे कि जो भी इस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चंस पहले पहले पूछे गए हैं उन बेस पर हर टॉपिक वाइज कौन कौन से एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस हैं उनके बेस पे पहले वो बताऊंगा, साथ में उनका बैकग्राउंड भी बताऊंगा। अब जो भी पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएं। इसमें दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, अब मैं आपको वो साथ साथ में बता दूंगा कि ये किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, ताकि आपको ये क्लियर हो कि कौन कौन से चैप्टर्स को आपको धीरे धीरे लेकर चलना है। ओके, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम जो पढ़ रहे हैं वो इसमें 60 मार्क्स के लिए बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का टॉपिक है जो कि 60 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। हमारा मेन फोकस अभी वही रहेगा, बाकी चीजों के लिए आपको ग्रुप में आपको एक ग्रुप बनाएंगे और उसमें आपको जो भी आपके पीडीएफ है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। अभी हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा बेसिकली 60 मार्क्स का, ठीक है, हमारा जो मेन फोकस है, ठीक है, जो धीरे धीरे हम लोग इसके आगे चलते जाएंगे। चलिए, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। और प्लीज आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इधर उधर भागना भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ज्यादा जाके डिवाइड करना है, बहुत ज्यादा आपको एकदम फोकस रहना है कि इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा और उस टॉपिक को थोरेली अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एमसीक्यू से ही बताऊंगा, ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा फिर मैं आपको थ्योरी क्लासेस भी इसके बेस पे दूंगा। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड फॉर। पहली बात तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, अब देखिए अभी बेसिकली ये कहां से पूछा गया है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये किसे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यस बेसिक अकाउंटिंग टर्म, और इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे, ठीक है। तो उसमें से क्या है कि ये क्या है कि आपका टॉपिक का हम बता रहा हूं, ये किस टॉपिक से पूछा गया है, ये पूछा गया था आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है, ये भी एक टॉपिक है, इसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगा। पहले ये समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, तो आपने ये समझिएगा कि बेसिकली क्या होता है, जो डिस्काउंट होता है वो टू टाइप्स का होता है, ठीक है, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये क्या होता है, ये होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड करता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है, होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है, ताकि जो रिटेलर है वो ज्यादा से ज्यादा सामान होलसेलर से खरीदे, ठीक है, और ये सबके लिए इक्वल होता है, जितने रिटेलर्स होंगे सबके लिए इक्वल होगा, समझ में आ गया, सिंपल सा है कि बल्क परचेज के लिए, याद रखना ये बल्क परचेज को इंक्रीज करने के लिए, ताकि सेलर का सेल हम बढ़ा सके, क्या बढ़ा सके, सेल बढ़ा सके, ज्यादा से ज्यादा सेल को अगर इंक्रीज करना है तो हम कौन सा डिस्काउंट देंगे, सर ट्रेड डिस्काउंट देंगे, तो सर कैश डिस्काउंट क्यों देंगे, सर कैश डिस्काउंट दिया जाता है ताकि मेरा पैसा, अगर कोई सेलर है या आपकी लैंग्वेज में कोई वेंडर है, ठीक है, वेंडर समझते हैं ना, दुकानदार, वेंडर ने अगर कोई सामान सेल किया, बेचा, और उसने जिसको बेचा एक तरीके से कस्टमर को बेचा और कस्टमर को उसने 7 डेज का टाइम दिया, ठीक है,
कस्टमर को उसने 7 डेज का टाइम दिया कि आपको 7 डेज में पैसा मेरे को देना है। ठीक, अब अगर आपने 7 डेज के अंदर मेरे को पैसा दिया तो मैं आपको 10% का कैश डिस्काउंट दूंगा। इसका मतलब क्या कि अगर कैश मिलेगा तभी कैश डिस्काउंट दिया जाता है, मतलब कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश पेमेंट पे ही दिया जाएगा, बट ट्रेड डिस्काउंट के लिए वो आपके क्रेडिट सेल पे भी काम आप ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हो। क्रेडिट सेल का मतलब होता है, क्रेडिट परचेज का मतलब होता है उधार पर खरीदा गया उधार पे बेचा गया, बट कैश का मतलब होता है कि कैश आपको मिला, मतलब अगर आपने तुरंत पैसा अगर मेरे को मिल गया तो मैं क्या दूंगा, कैश डिस्काउंट। मतलब ये क्यों दिया जाता है सर? ये दिया जाता है ताकि प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, किसके लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको मिल सके। ध्यान दीजिएगा, ये दिया जाता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए ताकि तुरंत मेरा पैसा मार्केट से मैं निकाल सकूं। ठीक है, और ये भी आता है बल्क परचेज के लिए। क्वेश्चन क्या पूछा है सर? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ कैश। नहीं सर, ये कौन सा है सर? ये तो कैश डिस्काउंट है, अभी बताया ना, अभी बताया। नेक्स्ट, परचेजिंग प्रोडक्ट इन बल्क क्वांटिटी। हाँ सर, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ताकि ज्यादा से ज्यादा हम परचेज करें और हमको डिस्काउंट मिल सके, मतलब एक तरीके से ये सेल को परचेज को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, सो ये पॉइंट हो सकता है। और पेमेंट ऑफ कैश विदिन, ये भी कौन सा हो गया सर? कैश डिस्काउंट हो गया। ओपनिंग ऑफ सेवरल यूनिट्स इन डिफरेंट मार्केट्स ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन, नहीं ये भी नहीं है। मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप, नहीं ये भी नहीं है। बेसिकली कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ वी कैन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी नाइस। अकॉर्डिंग टू मनी, आई थिंक क्लियर। हाँ यस, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट व्हिच अमंग द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। अगर आप मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सर वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब यहां पर क्वांटिटेटिव को ज्यादा पूछा जाता है, क्वालिटेटिव टेटिव की इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंट्स में, मतलब रिलेशनशिप, ऑनेस्टी, इन सब चीजों को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। आप अकाउंट्स में वही चीज रिकॉर्ड करते हो विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच अमंग द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें से कौन सा है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा? हेल्थ? नहीं सर, ये आप मनी के टर्म्स में क्या मेजर कर सकते हो? नहीं, ये नहीं कर सकते। सर क्वालिटी? नहीं, क्वालिटी भी आप मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। सर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, हाँ प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो, देन ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लरिकल एरर। देखो क्लरिकल एरर मतलब क्या होता है, या याद करो पिछले क्लासेस में अगर आपने किया होगा तो मैंने आपको बताया था एक अकाउंटिंग प्रोसेस होता है ना, IRC, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग कहां पे, जर्नल में, और ये क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद समराइजिंग, इसके बाद बोलो भाई समराइजिंग, फिर इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन के बाद कम्युनिकेशन, बताया था। तो ये वाला जो होता है ये क्या होता है? बुक कीपिंग। बोलो बुक कीपिंग, मतलब बेसिकली आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, क्लासिफाई बोले तो लेजर। ठीक है, ये काम जो है ये बुक कीपिंग का है। इसमें किसी प्रकार की एरर अगर होगी तो उसको क्लरिकल बोला जाता है। ध्यान से समझिएगा क्या बोलते हैं क्लरिकल एरर। बेसिकली क्लरिकल
क्लरिकल एरर मतलब होता है रिकॉर्डिंग के टाइम आपने गलत तरीके से गलती से कोई एरर हो गई है, ठीक है। अभी यहां पे समझते हैं हम लोग इस चीज को, ठीक। तो आखिर एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? एरर ऑफ ओमिशन मतलब लिखना था, लिखना भूल गए, दैट इज अ क्लरिकल एरर। हाँ, ये मान सकते हैं, ये मान सकते हैं। आ गए कमीशन, लिखना था 500, लिख दिया 5000, नंबर गलत लिख दिया, रिकॉर्ड करते टाइम गलती हो गई, ये भी मान सकते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, अब ये समझते हैं, ये जो एरर है ये क्लरिकल एरर नहीं है। क्यों? आपको लिखना था असेट में, आपने लिखा लायबिलिटी साइड, नहीं भाई, ये तो आपने प्रिंसिपल को ही ब्रेक कर दिया। असेट जो लिखा जाता है डेबिट साइड, आपने लिख दिया क्रेडिट साइड, ये भी गलत है ना। मतलब जब आप प्रिंसिपल को ही ब्रेक कर दो, दैट्स नॉट अ क्लरिकल एरर, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ कम टू नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। अभी बताया पिछले ही क्वेश्चन में, सर बुक कीपिंग जो होता है वो याद करो, अभी बताया ना, दैट इज कॉल्ड आईआरसी, आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, है ना, समराइजिंग इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये जो पहला जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं बुक कीपिंग, और जहां ये बुक कीपिंग एंड होती है वहीं से अकाउंटिंग क्या हो जाती है, सर स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये कहता है कि बुक कीपिंग में क्या हो रहा है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग क्या, अभी बताया ना, रिकॉर्डिंग करना। ऑप्शन में है क्या प्रॉफिट एंड लॉस? नहीं सर, प्रॉफिट एंड लॉस तो यहां से निकलता है, बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, है ना। सो ये तो नहीं है, ये तो अकाउंटिंग का हो गया। कीप करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस, सभी डिस्कस किया। बुक कीपिंग में क्या होता है सर? रिकॉर्ड करना, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बेटा। अगर आप लगातार बस आप जो भी है, जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाओ कि सर इस टॉपिक पे ये डाउट है, बहुत अच्छे से क्लासेस होंगी उसकी, और YouTube पे ही होंगी। सबसे अच्छी बात तो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, YouTube पर ही क्लासेस होगी, ठीक है। सो प्लीज इसको ध्यान से समझिए, और अभी तो मैं ऑप्शन के साथ बता रहा हूं, फिर मैं आपको थ्योरी क्लास भी लूंगा, ठीक है। But if you have any doubt, please go and comment. Next, the accounting concept that is used to prepare the profit and loss account is known as. ठीक है? अच्छा, अब profit and loss account में आपको क्या निकालना है? Simple, अभी आपको समझिएगा। ये किस topic से है? Sir, ये है accounting principle से। अभी समझते हैं इस चीज को। अब याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस एक कौन सा अकाउंट है? सर नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? सर नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट क्या आता है? सर एक्सपेंस आता है। क्रेडिट क्या आता है? सर इनकम आती है। वेरी नाइस सर, इसका मतलब सारे एक्सपेंस को आप यहां रख दीजिए और सारी इनकम को आप यहां रख दीजिए, फिर इन दोनों को क्या कराएंगे? आप मैच कराओगे, मैच कराओगे, एंड यू विल फाइंड आउट दैट यू आर गेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। आप दोनों को मैच कराएंगे तो आपको पता चलेगा, अगर इनकम ज्यादा है, क्रेडिट इज मोर देन एक्सपेंस, देन क्या हो जाएगा आपके लिए? लॉस है, सिंपल। एंड इफ ऑब्वियस ही बात है कि क्रेडिट क्या है, क्रेडिट क्या है आपके लिए? क्रेडिट है आपके लिए इनकम, ऐसे समझ में आएगा। इनकम इज मोर देन एक्सपेंस, देन आपके लिए क्या है? प्रॉफिट है। इसको क्रेडिट बैलेंस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट चीज समझिएगा, अगर एक्सपेंस इज मोर देन इनकम देन क्या है? सर लॉस है, तो इसको डेबिट बैलेंस भी कहते हैं।
एक्सपेंस बोले तो डेबिट, दादा है क्रेडिट से इसलिए नाम पड़ गया डेबिट बैलेंस। सिंपल, क्रेडिट इज मोर देन डेबिट तो नाम क्या पड़ा क्रेडिट बैलेंस। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। सो यहां क्या कर रहे हैं, आप मैच करा रहे हैं एंड यू आर फाइंडिंग आउट दैट वी आर इन अ, हमारी परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस बोले तो प्रॉफिट लॉस बाय मैचिंग एक्सपेंस एंड इनकम। सो हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं सर, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट नहीं सर, मैचिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ना। एक्सपेंस को इनकम से क्या करते हैं, मैच कराते हैं किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में। इस प्रिंसिपल के बेस पर प्रॉफिट एंड लॉस को बनाया जाता है। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन ट्रायल बैलेंस, मतलब समझिएगा, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आप ट्रायल बैलेंस के अंदर ठीक है क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे हैं तब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्योंकि बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक याद रखिएगा, शायद आपको आपने ग्रेशन में पढ़ा होगा, सॉरी 11th 12th में आपने पढ़ा होगा, एक्चुअली मेरी हैबिट है ग्रेशन वाले बच्चों को पढ़ाने की, इसलिए मैंने कहा कि आपने चीज देखा होगा आपने कि आप जब आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते थे तो आप लिखते क्या थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और बेसिकली ट्रायल बैलेंस में आप क्या लिखते हो, ओपनिंग स्टॉक को लिखते हो, परचेजेस को लिखते हो और डायरेक्ट एक्सपेंस को लिखते हो, ठीक। और तीन के तीनों कहां आता है सर, डेबिट साइड आता है, क्योंकि सर असेट है ना, ये असेट है, एक्सपेंस है, असेट एक्सपेंस कहां आते हैं सर, डेबिट साइड आते हैं, ठीक। और क्लोजिंग स्टॉक भी असेट है, तो अगर मैं यहां लिखूंगा तो क्या आएगा, क्योंकि यहां से तो क्या करना है उसको सर, लेस करना है। सो ट्रायल बैलेंस में क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा, इसीलिए यहां पर क्या होता है कि एक होता है एडजस्टेड परचेज, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से बचिएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया है तब तो क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे इसमें, ठीक। और अगर एडजस्टेड परचेज नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के कहां आता है सर, बाहर। तो सर अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सर मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक इन केस अंदर लिखा हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा सर, बहुत आसान है। अगर ये लिखा हुआ है मतलब क्या है, यहां पर इसके साथ क्या रहा होगा सर, एडजस्टेड परचेज ऑलरेडी क्या है, एडजस्टेड है, इसका मतलब अब ओपनिंग स्टॉक और वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये सीधा कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, किस साइड, असेट साइड। इसलिए कह रहा हूं बेटा थ्योरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं टॉपिक वाइज मैं थ्योरी क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा इस चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है कि अगर आपने, और ये उसी चैप्टर से है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का ही है, पर थोड़ा सा घुमाकर पूछा, क्या पूछा सर, इंटरेस्ट ऑन लोन, सर ये तो रेगुलर बेसिस पे देते हैं भाई, लोन लिया है तो हर साल इंटरेस्ट तो दोगे ना, तो सर अगर आप हर साल इंटरेस्ट दे रहे हैं तो बेसिकली जो रेगुलर लिचर का होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और बच्चा क्या क्या देखेगा सर, इंटरेस्ट ऑन लोन देखेगा और शांति से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर टिक मार देगा और वही आंसर गलत हो जाएगा, ठीक।
तो सर आखिर इसका आंसर क्या है? सर अगर आपने ये लोन लिया है असेट खरीदने के लिए, कौन सा असेट? फिक्स्ड असेट। और फिक्स्ड असेट पर कोई भी पैसा खर्च होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट मींस दैट ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? सही है। नेक्स्ट, प्रीपेड रेंट इज, अब प्रीपेड रेंट है मतलब आपने क्या किया है, एडवांस में किसी को पे रेंट आपको देना था 12 मंथ 12 मंथ्स का, 500 के हिसाब से 12 मंथ्स का रेंट आपको पे करना था, ठीक है। बट क्या हुआ कि आपने 1 जुलाई 2022 से लेकर 1 जुलाई 2023 तक का पे कर दिया, लेकिन सर आप 31 मार्च 2023 को तो क्या हो जाता है, अकाउंटिंग ईयर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसका मतलब आपने अप्रैल का 2023, मई का 2023, जून का 2023, आपने 3 मंथ का रेंट आपने क्या दे दिया, एडवांस पे कर दिया, एडवांस पे कर दिया। नेक्स्ट ईयर का पैसा इसी साल आपने पे कर दिया है, तो ये क्या है, असेट है। असेट में कौन सा है, करंट असेट। प्रीपेड रेंट क्या होता है, करंट असेट। बट अब बेसिकली देखा जाए तो ये क्या कोई एक्सपेंस है, नहीं, ये नॉमिनल अकाउंट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये असेट है तो ये होगा नहीं। क्या सर पर्सनल अकाउंट है? हाँ, पर्सनल अकाउंट मान सकते हैं, बट पर्सनल के भी 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है नेचुरल, सपोज मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, रोहन अकाउंट, किसी पर्सन का नाम हो, मोहन हो, सोहन हो, तो आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। और एक होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में क्या होता है, किसी कंपनी का नाम, टाटा कंपनी, बिरला, टिस्को, डिस्को, ठीक। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये क्या होता है सर, वो अकाउंट जो बेसिकली किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। बहुत आसान है, किसी भी एक्सपेंस के आगे आप क्या लगा दो, प्रीपेड लगा दो, ठीक, या एक्रूड लगा दो, या आउटस्टैंडिंग से कहते हैं आउटस्टैंडिंग भी लगा दो, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, इनकम के आगे एक्रूड लगा दो, ठीक है, समझ आ रहा है, एडवांस लगा दो, समझ आ रहा है। तो नॉमिनल अकाउंट के आगे अगर आप ये वर्ड्स लगा देते हैं मतलब वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली क्या होगा, यहां पर रेंट के आगे क्या लगा दिया है, प्रीपेड, तो ये कौन सा होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कंटीजन लाइबिलिटी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इट्स इज इन परसुएंट टू, ठीक है। अच्छा, एक प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि आपको अगर वो आपके अकाउंट से रिलेटेड है देन यू हैव टू शो इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट द प्रॉब्लम इज कि कंटीजेंट लायबिलिटी एक वो लायबिलिटी जो कंडीशनल है, याद रखना, इसको बोलते हैं कंडीशनल। अचानक से कोई क्लेम आ जाए, अचानक से कोई क्लेम आ जाए, क्लेम फॉर डैमेजेस, ओके, सो ये लायबिलिटी जो आपने सोची नहीं थी अचानक से आप पर आ गया है, बट हमारा तो प्रिंसिपल कहता है कि अचानक से कोई अगर लायबिलिटी आ जाए या फ्यूचर में होने वाला कोई लॉस हो तो रिकॉर्ड करो। आप तो रिकॉर्ड तो करना ही है, छुपाना तो है नहीं,
तो ये किस प्रिंसिपल के उसमें कंटिजेंट लायबिलिटी को भी दिखाना जरूरी है? तो सिंपल है, किस प्रिंसिपल में इसको दिखाना जरूरी है, दैट इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। एक्चुअली यहां फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, ठीक है, यू हैव टू शो इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यस, द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज द अंडरलाइंग बेसिस फॉर, ठीक है। आप कोई भी असेट खरीदते हो तो ये मान के चलते हो कि वो लंबे समय तक बिजनेस में रहेगा, ठीक। सो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है, उसकी एक लाइफ साइकिल है, मतलब एक लाइफ स्पैन है, ठीक है, मतलब एक लंबे समय तक हमारा बिजनेस रन करेगा। गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस का ओनर आएगा, माल लो टपक गया, कोई और आएगा। सो उसमें ये कहता है कि कोई भी मशीन खरीदी तो वो लंबे समय तक बिजनेस में रहेगी। तो अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगी मतलब उसकी भी लाइफ होगी, मतलब आपने अगर मशीन खरीदी 10 लाख की तो वो कम से कम 10 साल की क्या मान ले, उसकी लाइफ मान ले। तो हर साल अगर हम मशीन को यूज करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगी, आउटडेटेड हो जाएगी। इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो 10 लाख को अगर 10 से डिवाइड करें मतलब हर साल 1 लाख रुपए क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। ये मान लिया हमने कि इसकी इतनी लाइफ है, 10 साल तक ये मशीन आपके साथ रहेगी, मतलब हर साल 1 लाख रुपए क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। तो जो डेप्रिसिएशन है वो किस प्रिंसिपल के बेस पर है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट ओवर द यूजफुल लाइफ, ये किस बेस पर है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज ASB कब आया था? सर बहुत आसान है, भी याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1977। नेक्स्ट, अर्न, अभी याद करो, अभी याद करो, ये पहली बात तो कौन सा अकाउंट है, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कमा तो लिया है बट मिला नहीं है, ठीक है, है ना, कमा लिया है बट अभी हाथ में नहीं आया है, तो कमा मेरा तो हक बन गया ना, मेरे लिए तो ये क्या बन गया, असेट बन गया ना, ऑप्शन में है, हाँ सर ऑप्शन में है, बट ये बताओ मेरे को कौन सा अकाउंट है, जल्दी से जाओ नीचे जाओ कमेंट में जाओ, कौन सा अकाउंट है, ये लास्ट में बताना है, मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, ये वाला लास्ट में, चलो चलो देखो, एडवांस मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन फ्यूचर, एडवांस मनी received from a customer, कस्टमर से एडवांस मिल गया, फिर से वही चीज, कस्टमर से एडवांस में पैसा मिल गया, ठीक है, for a supply of goods, भाई अभी सामान नहीं दिया, पैसा पहले मिल गया, मेरे पर क्या आ गई, जिम्मेदारी आ गई, क्या लाइबिलिटी आ गई, कौन सी लाइबिलिटी सर, करेंट लाइबिलिटी, समझ में आ गया क्या, एडवांस पैसा मिल जाए। अब जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का कौन सा नेचर है, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, या कमेंट में मैं बताऊंगा, आपको आपका काम यह कि कमेंट में जाओ और लिखो और कमेंट बताऊंगा, मैंने पढ़ा चुका हूं, थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन पे मैंने आपको पढ़ाया है ये चीज, किसी भी एक्सपेंस या इनकम के आगे तो वो क्या होता है, इतना हिंट बता दिया, आप जाके कमेंट में जाके लिखो, जल्दी जाओ, ठीक। नेक्स्ट, द एजम्पशन दैट एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड For all losses is based on, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका लॉस तो रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना है, फ्यूचर का प्रॉफिट तो बताया था, सिंपल है, ये होता है प्रूडेंस, क्या कहते हैं इसको, प्रूडेंस, याद रखना, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव दोनों कहा जाता है, ठीक है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म,
दोनों कहा जाता है। तो है ऑप्शन में सर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनर्स इक्विटी स्टैंड्स फॉर, ओनर्स की इक्विटी क्या होती है? ये आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ठीक है, कि इसको आप क्या मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए कैपिटल, बताया था ना, ओनर्स इक्विटी क्या होती है, कैपिटल होती है। तो फॉर्मूले में तो पढ़ाई था, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक। सो कैपिटल को मैंने क्या बताया, कैपिटल को ही क्या बोलते हैं, इक्विटी, ओनर्स इक्विटी। तो अगर असेट माइनस क्या हो जाएगी, लायबिलिटी, तो क्या मिल जाएगी, इक्विटी। तो ये ऑप्शन में है, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी ऑप्शन में है। फिगर सेट माइनस इक्विटी, नहीं सर, टोटल टोटल होना चाहिए, फिगर सेट नहीं सर, करंट असेट नहीं सर, टोटल असेट, हाँ सर ये सही है। आउटसाइड लायबिलिटी क्यों लिखा, बताया था लायबिलिटी लास्ट क्लास में, ये कौन सी होती है आउटसाइड और ये कौन सी होती है इनसाइड, क्योंकि ये ओनर लगा रहा है, लायबिलिटी ये भी है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है, कैपिटल भी लायबिलिटी है, बट ये कौन सी लायबिलिटी होती है, इंटरनल, ये कौन सी है इंटरनल और ये कौन सी है एक्सटर्नल, क्योंकि ये बाहर से आ रही है। तो याद रखो, ओनर्स इक्विटी इज टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री, ये तो आपको याद करना है और मैं आपको एक क्लास लूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, और बहुत बेहतरीन क्लास, सारे स्टूडेंट्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक। सो आपका आंसर क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अ ट्रेडर ट्रांसफर 20% ऑफ प्रॉफिट, आपने क्या किया, अपने प्रॉफिट में से 20% जनरल रिजर्व में सेंड कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉन्सेप्ट, अभी बताया, थोड़ा सा पैसा निकाला रख दिया फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए, अभी पढ़ाया फ्यूचर में होने लॉस के लिए जनरल रिजर्व में पैसा बचा के रखा है, ठीक। तो वो कौन सा है, अभी डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, यस, वेरी नाइस। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट याद कीजिए, पिछले बताया था कि इस पर एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और इसका मतलब क्या होता है, हर वो ट्रांजेक्शन जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसका अफेक्ट किन्हीं दो अकाउंट पे पड़ता है, एक का डेबिट और दूसरे का क्रेडिट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल अकाउंट सिस्टम नहीं, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट, एक्यूरल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक्यूरल कॉन्सेप्ट बेटा यही कहता है कि हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो अगर कैश बेसिस है तो भी रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट बेसिस है तो भी रिकॉर्ड करेंगे। दो बेसिस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्यूरल बेसिस। कैश बेसिस ये कहता है कि वी रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, और एक्यूरल बेसिस ये कहता है कि हम कैश भी रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सो रेवेन्यू नेचर, आइटम्स नेचर, डेप्रिसिएशन नहीं, पैसा आने से मतलब है, भले वो कैश में आ जाए चाहे क्रेडिट के थ्रू आ जाए, मतलब भविष्य मिल जाए, पैसा आने से मतलब है, मतलब वो किस नेचर का होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटीजेंट लायबिलिटी इज शोन ड्यू टू, कंटीजेंट लायबिलिटी को अभी तो बताया था, यस, क्या फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन इज एप्लीकेबल, देखो अब आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से याद हो जाएगा। कंजर्वेशन क्या कहता है, प्रूडेंस क्या कहता है, कि आप थोड़ा सा पैसा रिजर्व में, प्रोविजन में बचा के रखिए फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए। तो प्रोवाइडिंग डिस्काउंट नहीं, मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन मतलब एक रिजर्व बना लिया कि भविष्य में अगर कहीं पैसा डूबेगा तो उसके लिए आपके पास प्रोविजन होना चाहिए, हाँ ये इस प्रिंसिपल को डिफाइन करता है, सही है। नेक्स्ट, इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, इनकम कोई भी अगर आप मेजर कर रहे हो, अभी बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में कि आप
खोज मेजर करते हो वो किस बेसिस पर, जब आप क्या करते हो मैच करवाते हो, है ना, किसको, एक्सपेंस को किससे मैच कराते हैं, इनकम से, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ आया होगा। ऐसे ही क्लासेस से हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे थ्योरी की क्लासेस के साथ। और मैं ये मान के चलता हूं कोई भी अगर आपको डाउट है प्लीज अभी जाओ, और जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था मतलब आपको बताया था कि उसका बताओ कि क्या होगा, याद रखना। एग्जाम्पल फिर बता दे रहा हूं, थर्ड फोर्थ में बताया था किसी भी एक्सपेंस के आगे इनकम के आगे क्या लगा दें, प्रीपेड लगा दें तो वो क्या हो जाता है, मैं बता चुका हूं। कमेंट में जाओ और अभी लिखो, ठीक है। और इसका नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इसके आगे चलेंगे और थ्योरी भी साथ साथ में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, जय हिंद।